please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2019 की लड़ाई के लिए CWC के जो चेहरे हैं उन्हें किस तरह से तैयार किया जा रहा है उस बारे में आपको बता दें, राज्यों में सहयोगी दलों के साथ जो महत्वपूर्ण सहमति को लेकर बैठके हैं उसकी भी जानकारी आ रही है। इस बीच चुनाव के बाद चेहरा कौन होगा ये समाजवादी पार्टी बोल रही है, उसके बाद तय किया जाएगा। HD देवेगौड़ा राहुल गांधी के नाम पर सहमत दिखाई दे रहे हैं, साथ ही राज्यों में उनके सहयोगी दलों के बीच इसको लेकर खींचतान बरकरार है। लखनऊ में जैसा जानकारी दे रहे थे SP नेता सुनील यादव ने दावा किया कि कांग्रेस ने राहुल गांधी को PM का चेहरा तय किया है, महागठबंधन ने नहीं। सुनील यादव के मुताबिक अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि पहले चुनाव होगा और बाद में चेहरा तय किया जाएगा। वहीं कर्नाटक में सरकार में कांग्रेस की सहयोगी JDS ने दावा किया है कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर कोई दिक्कत नहीं है मानने को लेकर, जबकि BJP ने राहुल गांधी को बिन बारात का दूल्हा बताया है। कल जो बैठक थी वो कांग्रेस के अपनी पार्टी की बैठक थी, वो गठबंधन की बैठक नहीं थी और गठबंधन ने नहीं तय किया है अभी कि राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे। अगर उस बैठक में गठबंधन के सारे लोग होते वो तो कांग्रेस की अकेली अपनी पार्टी की बैठक थी, उसमें तय हुआ कि वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे, गठबंधन के नहीं। हमारा कहना है कि गठबंधन का नेता वही होगा जो सब गठबंधन के नेता बैठ कर तय करेंगे से ना। एक पार्टी वाला कहेगा जे हम ही नेता तो दूसर कहेगा हम ही नेता तो एकजुट कैसे होंगे। इसलिए पहली शर्त गैर भाजपा दल एकजुट हो, सब नेता एक मंच पर आवे, दूसरा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने और आपस में सब गैर भाजपा दल के नेता चुन लें, वही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा। देखो भैया अभी बारात तो है नहीं, दूल्हा घोड़े पे पहले बैठ गया। अब दिक्कत ये है कि कहते हैं कि गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, अब है गठबंधन कहाँ? इसी को कहते हैं अहंकार और इसी को कहते हैं कि जो परिवार तंत्र है वो जनतंत्र का अपहरण करना चाहता है और इसीलिए इस तरह की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। इसलिए रस्सी जल गई और बल अभी भी नहीं गया।